आंटी कितने का एक नारियल? 50 रुपीस। मुंबई में भी 50 रुपीज़। नारियल पानी पी रही हूँ, गोवा में हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, तो नारियल पानी बहुत ज़रूरी है और गन्ने का जूस भी बहुत ज़रूरी है। गन्ने का जूस पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो आंटी दिख गए तो मैं इधर उतर गई और अभी ये पीऊँगी नारियल पानी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जगह पर लेके जाऊँगी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, तो आप लोग पूरा एंड तक ये वीडियो देखना, ठीक है। तो मैंने वह नारियल पानी भी पी लिया और अभी मैंने नारियल को कट करवा के ये भी लिया। हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी लग रही है इसमें, है ना? ये इसका कितना होगा? तो मैं ये ले रही हूँ क्योंकि बहुत धूप है और मैं काली पीली हो जाऊंगी, मेरा फेस बचाना है। इसका कितना है? 250। ओके 250। ऊपर भी ले लो, देखती हूँ कौन सा अच्छा लगता है मेरे पैर में। देखो कैसे सोया है इसके नीचे। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ यॉट पे, वही मैं बोल रही थी कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डायरेक्टली वहाँ पहुँच के। तो मैं अभी जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत दिन से यॉट में जाना था बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रहा था, तो फाइनली मुझे मौका मिल गया, वो टाइम मैंने निकाल लिया। दोस्तों मैं पहुंच गई यॉट पे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये हमारे कैप्टन हैं जो यॉट चलाने वाले हैं, और काफ़ी आवाज़ आ रही थी मोटर का और समुंदर का हवा, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो चलो अभी मैं ऊपर जाती हूँ, टॉप से दिखाती हूँ वहाँ पर कैसा है क्या है। तो ऊपर यहाँ पर कैप्टन के साइड में ही बैठने के लिए जगह है, छोटा सा सोफ़ा है और यहाँ पे एक म्यूज़िक सिस्टम है लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे आप बैठ के नज़ारे देख सकते हो और म्यूज़िक का आनंद ले सकते हो, जो कि मैं लेने वाली हूँ बहुत अच्छे से। और यहाँ से आप वो आगे टॉप में भी बैठ सकते हो, तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगी। अभी फ़िलहाल जो शुरुआत हो रहा है उसका मज़े ले लेती हूँ। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये शुरू होता है हमारा सफ़र, ये सफ़र। तो एनीवेज चलो मैं आप लोगों को नीचे लेके चलती हूँ, नीचे क्या फैसिलिटीज़ है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैं आ गई नीचे, यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया जो बैठ के खाना खा सकते हो, यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी है और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता है कैप्टन। और वहाँ पे किचन है छोटा सा, और ये रहा सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ पे कपल आएंगे तो बहुत उनको अच्छा लगेगा। तो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है ये देखो, और दूसरे यॉट पर अलग अलग रास्ते होते हैं, साइड से भी जाने का होता है, तो यहाँ से आप ऊपर जाना है आपको। और ये देखो मैं आ गई ऊपर और यहाँ से नज़ारा तो माय गॉड वाली है, क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। बता देती हूँ इनका रेंट, ये 2 घंटे के लिए 25,000 लेते हैं। हमारा जान पहचान था तो हमें 15,000 में मिल गया, और वैसे भी सीज़न नहीं था तो ऑब्वियसली देना ही था इनको थोड़ा कम में, तो हमें 15,000 में मिली है ये। और इनका फंडा ये होता है कि आपको बीच पे ले जाएंगे, बीच समुंदर में, और फिर वहाँ पर 1 घंटे के लिए रोक देंगे, फिर आप उस 1 घंटे में खाना पीना फिर डांस ये कर लो और उसके साथ साथ सनसेट का मज़ा भी ले लो, और उसके बाद वापस आपको जहाँ से लोग पिकअप करते हैं वही ड्रॉप कर देते हैं, बस यही फंडा होता है इनका। और बहुत लोग इस पर शूटिंग भी करते हैं, काफ़ी सारे मूवीज़ का शूट देखा होगा, सीन्स देखे होंगे, तो इसी में शूट होते हैं। ऐसे बहुत टाइप्स के यॉट्स होते हैं, उसमें ये लोग हायर कर लेते हैं 2 घंटे के लिए और शूट्स करते हैं, और कोई कोई लोग पूरा पूरा दिन हायर कर लेते हैं।
मैं भी वेट कर रही हूँ सनसेट के लिए, मजा आ जाएगा यार। ये इधर एक छोटा सा वॉशरूम है, एकदम मिनी वॉशरूम जैसे फ्लाइट में होता है, ठीक है ना, काम बनने से मतलब है कि नहीं, बड़ा वॉशरूम से क्या करेंगे। ये है बिग डैडी, नाम तो सुना ही होगा, कसिनो। जी हाँ, गोवा का सबसे बड़ा कसिनो बिग डैडी, और भी है काफ़ी सारे। तो दोस्तों आज का सफ़र ख़त्म हो गया है। हे गाइस, यॉट का सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आ गया। आप लोग भी करो कभी लाइफ में एक बार आके गोवा में, बहुत मज़ा आता है, अलग ही एक्सपीरियंस था, और मुझे ये एक्सपीरियंस लेना था, ले लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो, आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।